नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं श्रीराम सिटी फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, काफी लोग पूछते हैं क्या एक कंपनी हमें मोरेटोरियम 3 देगी नहीं देगी। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसों की बहुत इमरजेंसी है तभी आप इस कंपनी से अप्लाई करना, नहीं दोस्तों अगर आपका काम चल जाता है तो आप इस कंपनी से लोन मत लेना। दोस्तों क्यों ना, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों इस कंपनी क्या पॉलिसी है, अगर आप लोन अप्लाई करते हो, अगर आपको लोन मिल जाता है, अगर आपने टाइमली पेमेंट करने में जरा सा चूक किया तो एक कंपनी आपको कॉल तो करती ही है बट आपके पास नोटिस भेजने की बार बार धमकी भी देती है। दोस्तों इस कंपनी की पॉलिसी सबसे बड़ी ये है कि एक कंपनी आपको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं करती है, लोन आपको ढंग से देती है, पर दोस्तों अगर आप इनका पैसा टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो ये आपको अधिक परेशान कर सकती है। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा न्यूज या कोई फैसला आता है RBI की तरफ से या कोर्ट तरफ से, ये जल्दी फैसला नहीं मानती है और बहुत लेट दोस्तों एक कंपनी आपको ऑफर या तो कोई रूल को फॉलो करती है और भी बहुत जल्दी नहीं करती है। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है इस कंपनी से कि आप मेरा पेमेंट कर दो, आप मेरा पेमेंट दे दो, नहीं दोस्तों आपको एक ही बात बोलना है कि अभी प्रॉब्लम है, अगर पैसे होते तो हम पे क्यों नहीं करते। दोस्तों देखिए कंपनियां क्या करती हैं, अगर आप उनसे लोन लेते हो तो कंपनियां आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास रहता है, इसलिए कंपनियां आपके चीजों को समझ जाती है कि ये पर्सनल पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी बेस पे कंपनी आपको परेशान और करती है और आप सोचते हो कि मैं इनका पैसा दे दूं नहीं तो ये मुझे कोर्ट में लेकर जाएगी, मुझे परेशान करेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं मोरेटोरियम 3 के बारे में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो इसके ऊपर फैसला आने वाला है वो सभी लोग के लिए आने वाला है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी हो। दोस्तों अगर कोर्ट से फैसला आ जाएगा सबको पालन करना पड़ेगा, अगर जो नहीं करेगा दोस्तों उसको तो पनिशमेंट मिलेगी और दोस्तों उसके ऊपर कोई एक्शन भी ले सकता है। तो वैसे कोर्ट की बात सही मानेगा क्योंकि कोर्ट आपको पता है कोर्ट को सबसे लोग बड़ा मानते हैं और कोर्ट को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, कोर्ट की जो बातें होती है उस पर सबको खड़ा उतरना पड़ेगा। बट दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है, जो कंपनी आपको दुख में आपके दर्द में सपोर्ट करती है तो उस कंपनी का पैसा पे करने का अधिकार पूरा बनता है। जो कंपनी आपको दोस्तों सिर्फ आपके अच्छे दिन में आपका सपोर्ट करती है और बुरे दिन में आपको परेशान करती है, क्या आप उनसे जुड़ना चाहोगे, क्या आप उनसे लोन लेना चाहोगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर मेरा सलाह यह है कभी भी आप कंपनी से लोन लेना दोस्तों तो एक बार नहीं 500 बार सोचना कि मैं जिस कंपनी से लोन ले रहा हूं क्या ये कंपनी मुझे भविष्य में तकलीफ दे नहीं देती है, उसका रिव्यू चेक करो दोस्तों और इसके बाद ही लोन अप्लाई करो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपकी चीजों को नहीं समझती हैं और आपको हैरेसमेंट और परेशान करना चालू कर देती हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी जो फैसला चल रहा है इसमें दोस्तों काफी लोग को मानना पड़ेगा और आपको राहत मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल है लोन रीपेमेंट का। दोस्तों आप लोन रीपेमेंट तभी करना जब पैसे आए, बट दोस्तों आप अगर डरते हो कि कंपनी मुझे जेल में बंद करवा देगी, मेरे ऊपर एक्शन लेगी, दोस्तों देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कंपनी आपको जेल में नहीं, क्योंकि लोन के लिए कोई जेल नहीं होता है। दोस्तों अगर आपने 10 करोड़, 15 करोड़ या आपने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लिया दोस्तों, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब दोस्तों आप पर कार्रवाई होती है। दोस्तों 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 के लिए कोई कंपनी आपको जेल में नहीं डालती है, सिर्फ आपको दोस्तों हैरेसमेंट करके अपना पैसा लेने की बात करती है। दोस्तों मेरा सुझाव ये है कि आप इन सब कंपनियों से दूर रहना, और जो श्रीराम सिटी फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ एक काफी ज्यादा लोन आपको देती है, पर दोस्तों आप तभी लोन लेना जबको प्रॉब्लम अगर अधिक रहे। और दोस्तों अगर आपको मोरेटोरियम का ऑप्शन इसमें नहीं दिखता है, अगर कोर्ट से फैसला आता है दोस्तों आप मुझे कमेंट करना या दोस्तों मैं आपको उपाय बताऊं कैसे आप इनसे ले सकते हो। दोस्तों बट दोस्तों ये भी मोरेटोरियम दिए हैं, बट दोस्तों पीछे पीछे दिए हैं, वो भी सबसे आगे आकर उतर कर नहीं दिए हैं। दोस्तों ये इनकी पूरी कहानी है जो मैं आपको शेयर किया हूं, बताया हूं। आगे दोस्तों ध्यान देना और दोस्तों लाइफ में कभी भी हैरेसमेंट कॉल से डरना मत, क्योंकि हैरेसमेंट कॉल सिर्फ आपको दोस्तों डरा सकते हैं बट आपके चीजों को कभी बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों ये सब सिर्फ क्या करते हैं, आपको नस को पकड़ लेते हैं, अगर आप डरते हो तो ये आपको और डराते हैं। तो आपको डरना नहीं कि आपने कोई चोरी नहीं, कोई जुर्म नहीं किया है, आपने दोस्तों जो पैसा लिया है आज नहीं तो कल आपको देना है दोस्तों। बट दोस्तों अगर आप डरोगे तो आपको इतना ये लोग परेशान करेंगे। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना,
मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।